सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ आवर ट्रिप। और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं उदयपुर, और उसके बाद उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, ओवरनाइट सफ़र के बाद हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ी देर के लिए हमने होटल लिया, थोड़ा रेस्ट किया। अब उसके बाद एक यहाँ पे साइट है, साइट सींग है, जिसका नाम है रायता हिल्स। तो अभी हम रायता हिल्स जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं पहुंच के वहाँ पर व्यू कितना सुंदर है। अब हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइज, अभी आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर आ गए हैं वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस। और यहाँ पर भाई साहब, मतलब रायता हिल्स, इन हिल्स का नाम है रायता हिल्स, और आप व्यू चेकआउट कर सकते हैं अभी। हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है? एकदम शानदार। चलो चलो, सो गाइज, अभी रायता हिल से घूमने के बाद हम वापस उदयपुर जा रहे हैं, और जाके लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पर उदयपुर में एक होटल है नटराज करके, अमित भाई का भी हो चुका है अप्रोक्सीमेट। अब कुछ भाई का भी हो ही गया, और आकाश की ये 40वीं पूरी चल रही है। ये भाई थाली के पूरे पैसे वसूल करेगा यहाँ पे, और खाना मतलब एकदम स्वादिष्ट। क्या हुआ? मेरे दोस्त फैमिली रिलेट कर सकते हैं, ये वीडियो देखेंगे। हाँ, मतलब खाना इनका इतना टेस्टी कि ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, तेल मिर्ची सब एक नंबर बराबर सब। यहाँ का ये उदयपुर का लोकल रेस्टोरेंट है नटराज, अगर आप कभी विजिट करें तो ज़रूर यहाँ पे खाना खाएं। और थाली है यहाँ की 300 रुपीज़ की, बट वर्थ इट है, अनलिमिटेड खाओ आप। अभी हम जा रहे हैं करणी माता मंदिर, उदयपुर में ही है, तो दिखाते हैं आपको रास्ता और फिर दिखाते हैं मंदिर। बने रहिए हमारे साथ। वेरी शार्प टर्न्स, टर्बो डीजल जिंदाबाद। तो अभी गाइस, हम यहाँ पे रोप वे की राइड लेने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सामने कैबिन्स रहे, कैबिन या ट्रॉली जो भी बोलते हैं इनको, इनमें बैठ के जाएंगे यहाँ से, और ये रोप वे जाएगा, ये ट्रॉली जाएंगी, आपको दिख रही होगा, तो इसकी केबल्स दिख रही होंगी। वो रहा सामने इसका दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट, वहाँ पे मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे अभी रोप वे से, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। हाँ भाई, ये दिन आखिरी हो सकता है मेरी जिंदगी का। हाँ, एटीएम का पिन क्या है? एटीएम का पिन बता दे। वो 25,000 एक क्रेडिट कार्ड का मिला, एक और कुछ है। हाँ, कर देना सर। ये तो वो किसमें आएगा आपका वेरिएबल? वेरिएबल किसमें?
अमित भाई कहना चाहते हैं कि अगर इनकी जिंदगी को, इनकी जान माल को कोई नुकसान हुआ तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी जान का नुकसान ये ले लेंगे, इनकी माल का नुकसान मिलेगा। माल का नुकसान पांडे ले लेगा, जान का नुकसान इन्हीं का। हाँ भाई चलो, तो हम चल पड़े हैं यहाँ से। अभी अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा जाओ भाई, देख हरकतें मत करना कुछ। हाँ टेंशन लेते, ऐसे आराम से चलेंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं है भाई, तेरे साथ है ठीक है। गिरेंगे साथ में गिरेंगे। अब देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू यहाँ से देखने के लिए आए हैं ना पांडे ना। सब नीचे देखो, अब कुछ है जुरासिक पार्क प्रो। जुरासिक पार्क है, एक दिखा दीजिए पिछोड़ा लेक। हिल जाए क्यों, कड़े मत हो। नहीं लोड उसका सेंटर में एक्ट कर रहा हूँ, नहीं वो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। मेरे को लग रहा है कौवे तो नहीं उठा रहे मांस खाने के लिए मेरा मरुमत। वो देखो उधर सुंदरता। हाँ भाई ये अभी ऊपर से दिखेगी। तो अभी कैसा फील हो रहा है भाई तेरे को? अभी सही लग रहा है, बच गया मैं, बच गया, जिंदा जिंदा हूँ मैं, जिंदा है। चल फिर, तो अभी हम आ चुके हैं रोप वे से, बाकी अब आपको व्यू दिखाते हैं ऊपर मंदिर में जाके। तो गाइस ये रहा करणी माता का टेंपल, और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है और ऐसा आर्किटेक्चर है मंदिर का। टोटली मार्बल पे बेस्ड है ये मंदिर, पूरी नक्काशी मार्बल के ऊपर की गई है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा माइंस मार्बल और ग्रेनाइट की राजस्थान में ही है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहीं से सप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मंदिरों में ऐसे आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर भवन बनाया है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उदयपुर शहर का व्यू करणी माता टेंपल से, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, तो आपको एग्जैक्ट व्यू दिखाता हूँ अभी। वो ऊपर करणी माता जी का टेंपल, और इसी के साथ से नीचे एकदम पूरी ग्रीनरी, और ये जो आपको इतनी बड़ी लेक दिखाई दे रही है ये पिचोला लेक, बीच में एक महल जैसा कि जयपुर का जल महल था, आप व्यू चेकआउट करते हैं। और बीच में बहुत सारी नाव, लोग बोटिंग कर रहे हैं, आप मतलब अगर हो सके तो फील कर सकते हो आप यहाँ से कितना सुंदर व्यू है एकदम, और मौसम भी बहुत बढ़िया है, एकदम पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर। तो गाइस ये है फतेह सागर लेक, और ये मतलब उदयपुर की टॉप 5 लेक्स में से एक में आती है, आप व्यू चेकआउट कर सकते हैं इस लेक का, बहुत बड़ी लेक है, काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे पहाड़ों से घिरी हुई हरियाली एकदम, और इसके एक साइड फूड कोर्ट है बेसिकली, ये जो रोड आ रहा है पीछे से ये फूड कोर्ट ही है, मतलब पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, फूड आइटम्स मिलेंगी आपको। और इसके अलावा दूसरी साइड जो है एक और जगह है, इसका दूसरा जो एंड है उधर भी जाएंगे अभी हम। ऐसे मरे से क्यों लग रहे हैं यार? पांडे ने काटा है भाई, क्या ही बोलो 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 वीडियो में, पर जनता जवाब चाहती है, जनता को पता लगना चाहिए। पांडे ऐसा एक गंदा इग्नोर करेगा ना, तुम बोलोगे जोर से चलते हैं पहले ठीक है, उसके बाद रास्ते में पांडे चाय पिए, पांडे ऐसा बिहेव करेगा जैसे पांडे ने सुना ही नहीं हो ठीक है। लिटिल पांडा
इग्नोरिंग स्किल्स बहुत अच्छे पांडे के। अभी बोला था ना जब से भाई अपन कुछ खाते हैं बंदा सुन ही नहीं रहा, ठीक है उसकी भाई उसकी प्रायोरिटीज अलग है भाई, उसकी प्रायोरिटीज अलग है ना कि पांडे बोलना वीडियो में जनता को भी तो पता लगे तेरे बारे में, फैन फॉलोइंग बढ़ी यार तेरी।